नमस्कार। आज इंद्र एकादशी का व्रत है, पितृपक्ष की एकादशी, जिसके करने से सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दिवंगत पूर्वजों को भी उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व शास्त्रों में कुछ इस प्रकार दिया गया है कि पितृपक्ष के मध्य में आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहते हैं। जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजनों के द्वारा यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। इंद्रसेन नाम के एक राजा थे, जिनका महिष्मति राज्य पर शासन था। जी हाँ, ये वही महिष्मति राज्य है जो आपने बाहुबली फिल्म में देखा था। राजा के राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में देवर्षि नारद पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और आने का कारण भी पूछा, क्योंकि नारद जी जब भी कहीं जाते थे तो उसका कोई कारण अवश्य होता था। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वहाँ वे अपने पूर्व जन्म में एकादशी के व्रत से खंडित होने का दंड भोग रहे थे। उन्हें इस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। तब देवर्षि नारद ने उनको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति भी मिली और उनको वैकुंठ की प्राप्ति भी हुई। अब आपको इस व्रत की पालन विधि बताते हैं। जातक सुबह सवेरे स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, उस पर फूल और फल चढ़ावें, फिर धूप दीप से उनकी आरती करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जप करें, फिर व्रत का संकल्प लेवें, भगवान विष्णु की आराधना करें और उनसे कहें कि हे ईश्वर, हे हरिदेव, मेरे पितरों को शांति प्रदान करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें, उनने जो भी पाप कर्म किए हों उनसे उन्हें मुक्त करें और हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।